हेलो एवरीवन, आज आपके साथ मैं अपना डेली मेकअप केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, ये है आयुर का फेस टोनर जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, और ये बहुत अफोर्डेबल फेस टोनर है। थोड़ा सा आपको, अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बायोटिक का बायोडंडेलियन सीरम, और ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सीरम है, और इसे मैं डेली यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूसली 2-3 मंथ से। और ये बहुत अच्छा टोनर है, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, बहुत अच्छे से प्रेप हो जाती है जो ड्राइनेस, क्योंकि टोनर यूज़ करने के बाद आपके फेस के जो पोर्स हैं वो तो श्रिंक हो जाते हैं, बट थोड़ा सा स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए आपको एक अच्छे से स्किन मॉइस्चराइज करने ज़रूरी है। तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज अच्छे से करता है और बहुत सारा काम करता है आपको एक्ने से, ऑयल से, और बहुत तरीके से। अगर मैं इसका एक पूरा तरह से अपडेटेड वीडियो जरूर लेके आने वाली हूँ। वैसे मैं इसका वीडियो अपलोड कर दिया, इसका रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर प्रोवाइड कर दूँगी आपको। तो इस तरह मैं अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर रही हूँ। नेक्स्ट है मेरा बायोटिक की बायो कोकोनट क्रीम। ये मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र अफोर्डेबल प्राइस में जो काफ़ी टाइम तक चले, जैसे 200 का आता है बट चलता है आपका 1 ईयर है मोस्ट, तो इसको मैं लगा रही हूँ। ये भी आप जरूर लगा सकते हैं, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो, स्किन स्मूथ हो जाएगी। अगर इसके ऊपर आप अपना बेस भी, अगर फाउंडेशन भी यूज़ करना चाहते हैं तो भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है, और आप ज़रूर ले सकते हैं इसको। और मैं ये सीसी क्रीम और मॉइस्चराइज़र आप दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही जल्दी करना है तो आप डायरेक्ट सीसी क्रीम लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। तो ये सीसी क्रीम है, तो इसको मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं कोई सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसमें 30++ SPF 30++ है जो मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा सन डैमेज से, तो इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। और मेरी स्किन पर कुछ थोड़े से अगर कुछ कवर करना है, जैसे डार्क सर्कल है या कुछ, मेरी स्किन को इवन टोन करना है, इसके लिए भी मैं इसको लगा रही हूँ। एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड कर देती है बिल्कुल, और स्किन को इवन टोन कर देती है। तो देखिए, मेरी स्किन पे एक ग्लो भी आ गया है और मेरी स्किन एकदम से ग्लो गई है। जो ये वाइट कास्ट है थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर में खुद ही रिमूव हो जाएगा, अपने आप ही आपकी स्किन से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा लोटस का सिंदूर है। ये मुझे, मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं ले आई हूँ तो इसे मैं ज़रूर लगा रही हूँ। तो मेरा फेवरेट है ब्लू हेवन का। कोई भी सिंदूर अच्छा है, सस्ता है और डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, उसे आप लगा सकते हैं। लैक्मे का भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है मेरी शिल्पा की, ये बहुत पुरानी बिंदी है और ये आई थिंक सभी लेडीज़ लगाती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये है NYU का द बिग एप्पल ऑफ बिग आइज, और ये वाला काजल बहुत अच्छा है और सस्ते में आपको ये पर्पल पर मिल जाएगा। और इस टाइम सेल लगी हुई है, आप जाकर उस पर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, आपको और सस्ते में मिल जाएगा। तो इससे आइज़ को देख सकते हैं कितना इफ़ेक्ट पड़ गया है आइज़ को, और कुछ भी मेकअप नहीं किया, बस काजल लगाया है, ना आपको आईलाइनर ना कुछ आपको शेड लगाने के बाद, काजल काजल से आपके आइज़ फेस भरा भरा लगने लगा है, खाली खाली सूना सूना फेस नहीं लग रहा है। और ये है मेरी वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक है, और इसका शेड जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर दूँगी। पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हुआ, मेरी जीभ की लड़खड़ा रही है। तो ये बहुत अच्छा शेड है और न्यूली मैरिड के लिए बहुत अच्छा शेड है, और जिनको डार्क रेड कलर या रेड कलर पसंद है वो इसे ले सकते हैं। ना ये डार्क है, ये पिंकिश रेड है कुछ शेड, बहुत अच्छा शेड है, जब आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, पूरे दिन स्टे करती है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, शादी वगैरह में जा रहे हैं, तो आप इस लिपस्टिक को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये है मेरा अपना सिंपल सा मेकअप। तो गाइज, इस तरह मैं रहती हूँ घर में बन बना के अपने बालों को टाइट करके, तो क्योंकि गर्मी है और मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ हमेशा जो भी रियल है वो ही शेयर करती हूँ। तो ये भी मैंने रियल कि मैं इस तरह रहती हूँ, और ये है मेरा घर में जिस तरह मैं रहती हूँ इस तरह के लुक में। और आपको कैसा लगा? आप इसमें सनस्क्रीन अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप घर में रह रहे हैं वैसे लगाना चाहिए, पर आपको बहुत कुछ लोगों को क्रीम